बेस्ट लैपटॉप फॉर म्यूजिक प्रोडक्शन। तो भाई अगर आपने अपना म्यूजिक प्रोडक्शन खोला हुआ है या अगर आप सोच रहे हो, अगर आप बिगिनर हो, तो यार ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। वीडियो को पूरा देखना, इसके ऊपर मत करना, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो तो हेलो भाई, मेरा नाम है रॉबिन औजला, वेलकम टू द औजला दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पर। जहाँ पर नया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड इंस्टाग्राम पे गलो फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। प्लस मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपका बजट 90,000 से कम है ना यार, उसकी वीडियो मैंने पहले ही की है मेरे चैनल पे, आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका बजट 90,000 से कम है, आप उन लैपटॉप की ओर जा सकते हो। अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 90,000 से लेके 110,000 तक हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो यार अगर आपका बजट 90,000 से लेके 110,000 तक का हो जाता है, इस प्राइस रेंज में मैंने रखे हैं 3 लैपटॉप। ये तीनों लैपटॉप आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। प्लस भाई अगर आपने अबेल्टन सॉफ्टवेयर पे काम करना है, उसके बाद भी अगर आपने क्यू बेस सॉफ्टवेयर पे काम करना है, आपके लिए भी ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकते हैं। बिकॉज आपको स्पेसिफिकेशन पूरे लोडेड मिल जाते हैं। बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, जिसमें आपको 8GB रैम मिलेगी ना, उसको अपग्रेड कर लेना, 16GB तक मिनिमम रख लेना, अगर आप चाहते हो कि आपका सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ चले और कुछ भी आपको नहीं कराने की जरूरत, बहुत मिलने वाले। अभी स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर यार मैंने रखा है Asus ROG Centrics को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, आपको 16GB रैम देखने को मिल जाएगी, 4GB ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, आपको SSD देखने को मिलेगी, आपको 512GB SSD मिल जाएगी। अगर आपने 1TB की ओर जाना है, आपको वो भी मिल जाएगी। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी होने वाली, आपको 144 रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले मिल जाएगी। प्लस एक स्टाइलिश डिज़ाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने कहीं भी लेकर जाना है, तो आपको सूट करने वाला ये लैपटॉप, आप इसकी ओर जा सकते हो। अगर आप म्यूजिक के रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हो, या अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर पर मिक्सिंग मास्टरिंग करनी है, आप इजिली नॉर्मली कर सकोगे। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS लेवल डिस्प्ले है, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बातों की, इसमें आपको i5 भी मिल जाएगा, i7 भी मिल जाएगा। स्टोरेज की बातों को 8GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 16GB रैम भी मिल जाएगी, ठीक है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको 4GB ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों में विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बातों को 7 to 8 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूं, 85,000 से स्टार्ट हो जाता है 95,000 के बजट में। जो ये स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं ना, i7 मिल जाएगा, 16GB रैम मिल जाएगी, ये वाले स्पेसिफिकेशन आपको 95,000 के बजट में नॉर्मली इजीली मिल जाएंगे। मैंने लिंक प्रोवाइड किया, अगर आपने चेकआउट करना है, आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Asus ROG Centrics के भी। अभी आगे बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर यार मैंने रखा है Asus ROG Zephyrus G14 को। तो यार सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला एंड सबसे ज़्यादा अच्छा, मतलब इसकी लुक वगैरह बहुत ज़्यादा सही है। आपको बैक साइड में LED लाइटिंग मिल जाती है, जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो। भाई अगर आप एज अ DJ भी काम करते हो ना, तब भी आपको बहुत सूट करने वाला ये लैपटॉप, ठीक है। आप उस बैक लाइट, मतलब बैक साइड को आप कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप एज अ DJ काम करोगे, रात को किसी डिस्को क्लब में जाओगे, अपने लैपटॉप को भी साथ में लेकर जाओगे, अपना काम करना चाहते हो, तो भाई ये लैपटॉप भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। प्लस गेमिंग लाइव स्ट्रीम के लिए तो यार बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ते हो या पढ़ाते हो, आपके लिए भी बेस्ट डील हो सकता है। बिकॉज इसके स्पेसिफिकेशन बहुत लोडेड मिल जाते हैं। ये 90,000 से स्टार्ट हो जाता है, इसका बजट यार 1-1.5 लाख के बजट तक भी इसका बजट चल जाता है। तो आप देख लेना इसके स्पेसिफिकेशन, जो आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 14 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS एंटी ग्लेज डिस्प्ले है, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। प्रोसेसर की बातों, इसमें आपको राइजन 5 भी मिल जाएगा, आपको राइजन 7 भी मिल जाएगा। स्टोरेज की बातों को 8GB भी मिल जाएगी, 16GB रैम भी मिल जाएगी, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो। प्लस आपको 1TB SSD देखने को मिल जाएगी। इसमें ग्राफिक कार्ड की बातों को RTX भी मिल जाएगा, GTX भी मिल जाएगा। जिसका जैसा पे करोगे, जितना पे करोगे, उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन मिलते जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करूँ, आपको 10 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ, 90,000 से स्टार्ट हो जाता है, इसका प्राइस आपको 1,50,000 के बजट तक भी देखने को मिल जाता है। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Asus ROG Zephyrus G14 के। तो मैंने आपको ये भी बता दिया भाई, अगर आप एज अ DJ काम करते हो, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है, एक बार आप चेकआउट कर लेना। मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, आपके लिए बहुत बेस्ट डील हो सकती है। अभी आगे बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर यार मैंने रखा है Acer Concept D को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, ये फुली वाइट कलर में देखने को मिलता है। इसकी डिस्प्ले बहुत सही है, आपको 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी बहुत तगड़ा है, ठीक है। वैसे ही मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको 8GB रैम भी मिल जाएगा, 16GB रैम भी मिल जाएगा। इसके मॉडल वगैरह बहुत आते हैं, मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ, आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ी सी डीपली बात करते हैं यार। तो यार डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को i5 8th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बातों को 8GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो। प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको AMD Radeon RX Vega 4GB मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बातों को 7 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बात
करूँ, 85,000 से स्टार्ट हो जाता है एंड इसका प्राइस 95,000 के बजट में मिलेगा। यू ये स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको इस सर कॉन्सेप्ट डी के भी बता दिए। ये लैपटॉप भी सच में बहुत ज़्यादा प्यारा है, अगर आपने इसके और जाना आप इसके और जा सकते हो। लेकिन जो पहले मैंने आपको दो लैपटॉप बताया ना म्यूज़िक के लिए, वो ज़्यादा मुझे सूट करते हैं, बिकॉज यार उनका जो डिज़ाइन है या उनके जो स्पेसिफिकेशन है आपको वो ज़्यादा तगड़े देखने को मिल जाते हैं। बट अगर आपको एक अच्छी डिस्प्ले चाहिए आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है इस सर कॉन्सेप्ट डी, आप इस लैपटॉप की और भी जा सकते हो। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट यार 1,10,000 से लेकर 1,30,000 तक हो जाता है इस प्राइस रेंज की भी बात कर लेते हैं। तो अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,10,000 से लेके 1,30,000 हो जाता है इस प्राइस रेंज में, भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ आप जा सकते हो माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक 3 की। और मैंने इसको इस बजट रेंज में इसीलिए रखा बिकॉज सबसे पहले आपको एक स्लिम एंड स्टाइलिश डिज़ाइन मिल जाता है 2-in-1 लैपटॉप है। अगर आपने एज अ टैब यूज़ करना है आप कर सकते हो, अगर आपने एज अ लैपटॉप यूज़ करना है आप कर सकते हो। इसके स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े, आज तक का कोई भी अगर आपने सॉफ्टवेयर जो हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है ना आप इजिली नॉर्मली कर सकोगे। आपको 8GB रैम भी मिल जाएगा, 16GB रैम भी मिल जाएगा, 32GB रैम भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक कार्ड भी आपको सेम मिल जाएगा, आपको 4GB भी मिल जाएगा, 6GB भी मिल जाएगा, 8GB तक भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद स्टोरेज की बात, आपको 1TB भी मिल जाएगा, उसके अपर भी अगर आपने जाना है आप जा सकते हो। मतलब स्लिम एंड स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ साथ आपको स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी पूरा लोडेड मिल जाता है। मैं आपको मेन स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, तो अगर आपने चेकआउट करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, मैंने आप चेकआउट कर सकते हो। तो यार डिस्प्ले की बातों को 30.5 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि टच डिस्प्ले, प्रोसेसर की बातों को i5 10th जनरेशन के साथ मिलता है, स्टोरेज की बातों को 8GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज। मैं आपको रिपीट कर देना चाहता हूं, आपको i7 भी मिल जाएगा, 16GB रैम भी मिल जाएगी, 32GB रैम भी मिल जाएगी, 1TB तक भी आपको SSD देखने को मिल जाएगी। ग्राफिक कार्ड वैसे ही मैंने आपको पहले बोला कि आपको 4GB मिल जाएगा, 6GB भी मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ आपको 11 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ ये 90,000 से स्टार्ट हो जाता है, 2,00,000 के बजट तक भी इसका प्राइस चला जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक 3 के भी। अगर आपने यार कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेकर 2 लाख हो जाता है इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। वो भी बात करते हैं, अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेकर 2 लाख हो जाता है इस प्राइस रेंज में, भाई मैं तो आपको कहना चाहता हूँ कि आप जा सकते हो एप्पल मैकबुक की। और अगर मैं बात करूँ लैपटॉप की, अगर आपने एप्पल मैकबुक 13 की ओर जाना है आप जा सकते हो। अगर आपने भाई जाना है एप्पल मैकबुक प्रो की ओर आप उसकी ओर भी जा सकते हो। बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आपने 16GB रैम के और मिनिमम जाना ही जाना है, उसके नीचे आपने नहीं जाना। उसके ऊपर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन मिनिमम 16GB आपको चाहिए ही चाहिए। प्लस भाई मैक की ओर से आपको सॉफ्टवेयर जो देखने को मिलता है ना मैजिक प्रो एक्स, वो बहुत ज़्यादा तगड़ा। अगर आपने मिक्सिंग करनी है, मास्टरिंग करनी है, अगर म्यूजिक के रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हो, वो सॉफ्टवेयर भी परचेज आपको करना ही पड़ेगा अगर आपने मैक के लिए मतलब सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। अगर आपने म्यूजिक के रिलेटेड मतलब अगर आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है। तो यार अभी मैंने आपको इतने लैपटॉप बता दिए, जो भी आप लेना चाहते हो म्यूजिक के रिलेटेड आप ले सकते हो। सभी जो लैपटॉप मैंने आपको बताया ना वो पूरे लोडेड मिल जाते हैं, स्पेसिफिकेशन हो गया, डिस्प्ले हो गया, डिज़ाइन हो गया, बिल्ड क्वालिटी हो गया, आपको ए क्लास मिलने वाली है। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भी देना, उनको भी कहते हैं कि चैनल को कर सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा, उसको चैट कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, थैंक यू।